एक जून को लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है और नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो वहीं इस बीच राजा भैया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। जी हां, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बड़ा दावा किया है। कुछ वक्त पहले तक माना जा रहा था कि राजा भैया प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि यूपी की इन प्रमुख सीटों पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में जब इन सीटों पर कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान हुआ तो राजा भैया ने कहा कि उनके समर्थक अपने मन से लोगों का समर्थन और उन्हें वोट करेंगे। वहीं इस बीच खबरें आई कि राजा भैया कौशाम्बी में बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर से नाराज हैं। उधर सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने दावा किया कि उनको राजा भैया का समर्थन मिला हुआ है, वो अपनी जीत भी पक्की बता रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के संदर्भ में बड़ा दावा कर डाला है। बुधवार को झारखंड स्थित गोंडा पहुंचे राजा भैया ने सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की और अपने समर्थकों से उन्हें वोट करने की अपील कर डाली। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में राजा भैया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, न ही हमने किसी पार्टी को समर्थन दिया। हमारे कार्यकर्ता अपने मन से समर्थन और मतदान कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने बातों ही बातों में दावा कर डाला कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।